हरिओम, आज 20 सितंबर दिन सोमवार, स्वागत है आपको मेरे इस कार्यक्रम दिव्यवाणी में, जहां हम प्रतिदिन चर्चा करते हैं आज के राशिफल की। आज का दिन कैसा रहेगा, आपके भाग्य की सुई क्या कहती है, इन सारी बातों की चर्चा करेंगे। किंतु उसके पूर्व आज जिनका जन्मदिवस है, जिनके विवाह की वर्षगांठ है, आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन, शुभ आशीर्वाद। अपने जीवन में आप निरंतर उत्तरोत्तर उन्नति करते चले जाए। आपको स्मरण भी करा दूं, यदि मेरे YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें, ताकि सारी वीडियोस आपको निरंतर निर्बाध रूप से मिलती रहे, आप इसका लाभ उठाएं, आनंद उठाएं, प्रियजन को शेयर भी करते रहें। आइए आज 20 सितंबर सोमवार के दिन पंचांग की चर्चा करूं। विक्रम संवत 2078, शक संवत 1943, भाद्र मास शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा तिथि है जो कि भोर 4:57 पर्यंत ही रहेगा, इसके उपरांत में प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र है, भोर 4:38, इसके बाद में उत्तर भाद्र नक्षत्र। अभिजीत मुहूर्त, जिसकी चर्चा में प्रतिदिन विशेष रूप से करता हूँ, अभिजीत मुहूर्त के अंतर्गत किया गया कोई भी शुभ कार्य या शुभ और मधुर फल देता है, चिरकाल तक देता है, जो कि आज 11:50 से 12:39 अपराह्न पर्यंत मध्य रहेगा। ठीक इसके विपरीत राहु काल की भी चर्चा होनी चाहिए। राहु काल के अंतर्गत किया गया कोई भी शुभ कार्य शुभ फल नहीं देता है, प्रतिदिन हमें कोई 1.5 घंटे का कालखंड मिलता है, इसमें शुभ कार्य वर्जित है क्योंकि शुभ फल नहीं देते हैं। आज प्रातः 7:30 से लेकर 9 के मध्य राहु काल रहेगा। आइए अब चर्चा कर लूं 12 राशि की, आज का दिन कैसा रहेगा। सर्वप्रथम मेष राशि, मेष राशि वाले को बताना चाहूं बहुत ही अच्छी समाचार है आपके लिए कि नई योजनाएं भी बनेंगी, कार्यान्वित भी होंगे, बहुत आनंद के साथ अच्छे साथ नई नई योजना भी बननी है, कार्यान्वित होंगे और कई प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। सारा दिन आज आनंद और उत्सव के साथ व्यतीत होगा। वृषभ राशि वाले के जातकों को बताऊं, कर्म क्षेत्र में विशेष उन्नति होनी है आपको। आपको जो भी कर्म क्षेत्र है, आप चाहे प्रोफेसर हैं, बिल्डर हैं, एस्ट्रोलॉजर हो, व्यवसायी हैं, अपने क्षेत्र में आपको उन्नति प्राप्त होनी है, ख्याति प्राप्त होनी है। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आध्यात्मिक क्षेत्र में विशेष उन्नति का लाभ और उन्नति का समय मिल रहा है। आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति हो गई, लाभ हो गया तो जीवन सफल हो गया। एक सन्यासी भी जीवन पर्यंत अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए लगे रहते हैं, तो ये आज आपको लाभ प्राप्त होना है। जबकि कर्क राशि के जातकों को बताऊं कि पैतृक संपत्ति के मामले में आपको लाभ प्राप्त होगा, पूर्वजों का जो प्रसाद है उससे संबंधित लाभ प्राप्त होना है। सिंह राशि के जातक, दाम्पत्य जीवन में विशेष लाभ और आनंद है, विशेष आनंद होगा दाम्पत्य जीवन के अंतर्गत। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि ऋण भार बहुत परेशान थे, लोन से ऋण से प्रति मास एक परेशानी और आपके घर का खर्च भी थोड़ा असंतुलित हो गया था, जिसके कारण ऋण भार भी आपको कमी होगी और जिसके कारण आपको थोड़ा रिलैक्स महसूस होगा। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँ कि मनोयोग के कारण कार्य सिद्ध हो, मनोयोग अगर लग गया तो किसी भी कार्य की सफलता सुनिश्चित हो जाती है। मनोयोग के साथ ही कार्य करना उचित भी होता है, जो आज कार्य सिद्ध होंगे आपके ही मनोयोग के कारण। वृश्चिक राशि वाले प्रतीक्षा कर रहा हूं तो मैं आपको बता दूं, वाहन आदि के विशेष सुख प्राप्त होने वाले हैं, हो सकता है नए वाहन भी आ जाए और वाहन से संबंधित किसी प्रकार के सुख प्राप्त होना। धनु राशि के जातकों को बताऊं, भाइयों के साथ मिलकर योजना को मूर्त रूप देना विशेष लाभ प्रदान करेगा। भाइयों के साथ मिले, योजना बनाए और एक प्लानिंग करने के बाद उसे मूर्त रूप दे, देखेंगे निश्चित रूप से उसके लाभ प्राप्त होंगे। मकर राशि वाले जातकों को बताना चाहूंगा कि निवेश से विशेष लाभ होगा। आज के दिन किया गया निवेश आपको आने वाले समय विशेष प्रकार से लाभ प्रदान करेगा। कुंभ राशि वालों को बता दूं,
सारा दिन विशेष रूप से आनंदित रहेगा। आज का दिन आप तो एकदम राजयोग की तरह आनंद के साथ कई प्रकार के लाभ, आप जो भी आप योजना बनाएंगे, जो सोचेंगे, जो करेंगे, सभी का लाभ मिलना है। पूर्व का किया गया भी परिणाम आपको प्रत्यक्ष दृष्टि गोचर होगा, सकारात्मक। अंतिम राशि मीन राशि की चर्चा कर लो। आज की यात्रा विशेष प्रकार से आपको लाभ प्रदान करेगा। कहीं यात्रा के योग बन रहे मीन राशि के जातकों को, तो जो यात्रा का जो उद्देश्य है वह भी आपको विशेष रूप से शुभ परिणाम देने वाला है, और यात्रा भी बड़ी सुखद होगी, आनंद होगी, एंजॉय करेंगे और मुस्कुराते हुए घर लौटेंगे, अच्छे शुभ फल के साथ, सकारात्मक फल के साथ। बारहवीं राशि की चर्चा हो गई, पंचांग की चर्चा हो गई। कल पुनः मुलाकात होगी किसी अन्य वीडियो के साथ या कल के राशि फल के साथ। किंतु स्मरण करा दो पुनः आपको, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अभी कर रहे अविलंब, शेयर भी करते रहे प्रियजनों को, अच्छा लगे तो लाइक बटन दबाएं। लेता हूं विदा, कल पुनः मुलाकात होगी। तब तक आप मुस्कुराते रहें, सकारात्मक रहें, आनंदित रहें। हरिओम तत्सत।